गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न चैप्टर 2, फूड हेल्थ एंड हाइजीन। फूड हेल्थ एंड हाइजीन से हम लोग क्या समझते हैं? फूड मतलब होता है भोजन, जो हम लोग करते हैं, हर तरह का भोजन करते हैं हम लोग, स्वास्थ्य और स्वच्छता। स्वच्छता मतलब सफाई। In this chapter we have to learn food health and hygiene. Balanced diet. Nutrients in a balanced diet. Exercise, rest and proper posture. Hygiene. And various types of diseases. पहले इसे हम एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। राहुल was not feeling well, so his mother took him to the doctor. The doctor examined Rahul and asked about his daily routine and diet. जैसा कि फिगर में देख रहे हैं, राहुल क्या है? राहुल एक लड़का है जिसकी तबीयत ठीक नहीं थी। उसकी माँ क्या करती है? उसे एक दिन डॉक्टर क्लिनिक में ले जाती है। जैसा कि फिगर में देख रहे हैं, डॉक्टर क्या करते हैं? राहुल की अच्छी तरह से जांच करते हैं और उसकी दिनचर्या और आहार के बारे में पूछते हैं। ही ऑल्सो चेक्ड हिज टंग्स, आईज एंड नेल्स। वह राहुल की जीभ, आँख और नाखून को की भी जांच करते हैं। राहुल्स मदर स्टेटेड दैट राहुल लाइक्स टू ईट जंक फूड एंड वॉच कार्टून शोज। राहुल की माँ ने कहा कि राहुल को जंक फूड खाना और कार्टून शो देखना पसंद है। ही सिट्स नियर टेलीविजन एज सून एज ही फिनिशेज हिज होमवर्क। जैसे ही वो अपना होमवर्क पूरा करता है, वो टेलीविजन के पास बैठता है। लिसनिंग To this, the doctor instructed Rahul not to eat junk food, not to watch television continuously and keep his teeth, tongue and nails clean. यह सुनकर डॉक्टर ने राहुल को निर्देश दिया कि वह जंक फूड ना खाए, लगातार टेलीविजन ना देखे और अपने दांत, जीभ और नाखून की सफाई करें। He further explained that to be healthy one has to eat nutritious food, take rest, exercise regularly and maintain hygiene. उन्होंने आगे बताया कि स्वस्थ रहने के लिए पौष्टिक भोजन करना, आराम करना, नियमित व्यायाम करना और स्वच्छता बनाए रखना है। जैसा कि देख रहे हैं, वो राहुल को समझा रहे हैं। फूड हेल्थ एंड हाइजीन, भोजन स्वास्थ्य और स्वच्छता। फूड हेल्थ एंड हाइजीन आर क्लोजली एसोसिएटेड। वन कैन नॉट बी हेल्दी इफ ही और सी डज नॉट ईट प्रॉपर फूड और मेंटेन प्रॉपर हाइजीन। फूड इज वन ऑफ आवर बेसिक नीड्स। We all need nutritious food for proper growth and development of our body. भोजन स्वास्थ्य और स्वच्छता का गहरा संबंध है। ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कैसे जुड़े हुए हैं हम लोग समझते हैं। अगर हम लोग अच्छा भोजन करते हैं, जिसे हेल्दी फूड कहते हैं, जो हम लोग के लिए स्वास्थ्य के लिए ठीक हो, और साफ सुथरा भोजन करेंगे तो उससे हम लोग का स्वास्थ्य ठीक रहेगा। इसीलिए भोजन स्वास्थ्य और स्वच्छता आपस में गहरा संबंध है। कोई स्वस्थ नहीं हो सकता अगर वो उचित आहार नहीं ले और स्वच्छता को अगर बनाए नहीं रखेगा, तो वो स्वस्थ इंसान नहीं हो सकता है। भोजन हम लोग की ज़रूरतों में से एक है। हमारे शरीर की उचित और वृद्धि और विकास के लिए
हम लोग को पौष्टिक भोजन की आवश्यकता पड़ती है। अ हेल्दी पर्सन इज वन हु इज फिजिकली एज वेल एज मेंटली फिट। दिस कैन बी अचीव्ड बाय हैविंग बैलेंस्ड डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज, टेकिंग प्रॉपर रेस्ट एंड स्लीप एंड मेंटेनिंग पर्सनल एज वेल एज सोशल हाइजीन। एक स्वस्थ व्यक्ति वो है जो शारीरिक रूप से और साथ ही मानसिक रूप से फिट है। इसे हासिल किया जा सकता है संतुलित भोजन लेके, नियमित रूप से व्यायाम करके, उचित रूप से आराम और नींद लेके, और व्यक्तिगत और सामाजिक स्वच्छता बनाए रखते हुए।